दुनिया में हर कोई इस वैश्विक महामारी से त्रस्त है। इस वायरस की चपेट में आकर दुनिया में अब तक 4,19,494 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 74,82,740 हो गया है, जिनमें से 37,98,146 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अभी लाखों ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। अभी कोरोना संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या के साथ अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन जिस तरह से पिछले दो दिन में ब्राजील में आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है ब्राजील जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़कर कोरोना संक्रमित मामलों में आगे निकल सकता है, क्योंकि ब्राजील में लगातार दूसरे दिन कोरोना की वजह से 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1200 लोगों की 24 घंटे में मौत, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। ब्राजील में ओवरऑल कोरोना से मौतों की बात करें तो ये संख्या 39,700 को पार कर गई है, जबकि ब्राजील में जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से 7,75,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं अमेरिका 20,66,508 कोरोना मामलों के साथ पहले स्थान पर है, जिनमें से 1,15,140 लोगों की मौत हो चुकी है और 8,08,494 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। दूसरे नंबर पर तो ब्राजील है ही, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ रशिया है, जहां 5,02,436 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 6,532 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2,61,150 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में भारत अभी छठवें नंबर पर है, जहां 2,87,679 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, 8,115 लोगों की जान जा चुकी है और 1,41,119 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के बाद अब ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है वहाँ मौत का आंकड़ा, जिसे तत्काल ही संभाले जाने की जरूरत है।